नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय दादा ईश्वरदास रोहाणी के 78वें जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी के नेतृत्व में मोहनिया में 2100 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान 1,25,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। वहीं मोहनिया में स्कूली छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा पौधारोपण किया गया। कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि हमेशा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहाणी ने पीड़ित मानवता का संकल्प लेते हुए सेवा की। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर दादा रोहाणी समिति के द्वारा 78वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए मोहनिया में 1,25,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया, जिसमें करीब 2100 पौधे लगाए गए हैं। आगे 1,25,000 पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित उनके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए स्कूली छात्र छात्राओं को बैग, कॉपी किताब व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उन्हें चेक का वितरण किया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भी आज वृद्ध रूप से जो है वृक्षारोपण के जीवन दादा के जन्म दिवस पर एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशाल वृद्ध पौधारोपण कार्यक्रम मोहनिया में 60 एकड़ पर कैंट विधानसभा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हर दिन किसी न किसी स्कूल के बच्चों को लाकर और टीचर्स को लाकर यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम निरंतर रहेंगे। जब तक 1,51,000 पौधे इन आसपास के क्षेत्रों में नहीं लग जाएंगे, तब तक यह कार्यक्रम निरंतर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था। उनके आह्वान पर सभी बच्चे भी यहाँ पर अपना एक पेड़ अपने माँ के नाम लगा रहे हैं, उनके सम्मान में लगा रहे हैं। मैं बच्चों का और टीचर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि रविवार के दिन उनने छुट्टी को न देकर ये छुट्टी जो मनाई है, ये एक पेड़ जो लगाया, उनके लिए उनका आभार व्यक्त। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।